ये कटलेट्स देखने में जितने सुंदर दिखते हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पी एंड वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। आज हम मिलकर बनाएंगे आलू और पनीर के बहुत ही बहुत यमी क्रिस्पी कटलेट्स। ये कटलेट्स मैंने एक रेस्टोरेंट में खाए थे, मुझे बहुत पसंद आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आपको बना के खिलाया जाए। तो आइए देखते हैं कैसे बनते हैं क्रिस्पी आलू पनीर के कटलेट्स। पनीर आलू के यमी कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ मेरे पास है आलू, तो यहाँ पर मैंने एक कप उबला हुआ आलू लिया है, इसको मैंने ग्रेट कर दिया है, देखिए कुछ इस तरह से। इसमें हम डाल देंगे एक टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर बाइटिंग के लिए, एक टीस्पून अमचूर पाउडर या खटाई, नहीं है तो आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है तिल या फिर वाइट सेसमी सीड्स जिसको हम कहते हैं, ये डेढ़ टेबलस्पून के करीब लिया है मैंने। पोहा जिसको कि मैंने सोक किया था, और एक चौथाई कप पोहा बस मैंने लिया था और उसको पानी में अच्छे से धो के सोक कर दिया था, तो ये क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल महीन कटा हरा धनिया, आधा कप पनीर जिसको कि मैंने ग्रेट कर लिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, नहीं है तो हरी मिर्ची का यूज़ करें, 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा। इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और अब हम सभी को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इनका एक मिक्सचर तैयार करेंगे। एक बात और, मैंने यहाँ पर अनियन का यूज़ नहीं किया है, अगर आप अनियन का यूज़ करना चाहें तो कर लें, लेकिन बहुत उसको बहुत छोटा छोटा कट के तब डालें इसमें। मिक्सचर बिल्कुल तैयार है और अब हम अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो मेरे बहुत सारे जो साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, वो पूछते हैं कि मैं कौन सा ऑयल जो है वो कुकिंग में यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी मैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करती हूँ आजकल। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो होता है उसमें केमिकल्स बिल्कुल नहीं होते हैं, ये आम रिफाइंड ऑयल नहीं होता है जो कि केमिकलाइज होता है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करें आप भी कुकिंग में, तो ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हम थोड़ा सा तेल अपने हाथों में लेंगे और अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो बहुत मोटी मोटी टिक्कियाँ नहीं बनानी है, पतली टिक्की बनानी है, साइड से एकदम स्मूथ हो जानी चाहिए, ये देखिए कुछ इस तरह से, क्योंकि जितनी स्मूथ आपकी टिक्की बनेगी तलने में आपको उनको उतनी ही आसानी रहेगी। और अब हम इन सारी टिक्कियों को बना के एक प्लेट में रखेंगे। मैं अपनी डेली की कुकिंग में सिर्फ 3 तरह का ऑयल या घी इस्तेमाल करती हूँ। एक तो मैं यूज़ करती हूँ देसी घी, दूसरा सरसों का तेल, और तीसरा ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आप थोड़े भी हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप, या फिर आपके घर में किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ रिफाइंड ऑयल यूज़ ना करें, उसकी जगह आप उसको स्विच करें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से। तो ये देखिए टिक्कियाँ बनाकर हमने तैयार कर ली हैं। हम फिर से अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे और अब हम इस तरह से टिक्की लेंगे, इसको फिर से स्मूथ करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये टिक्कियाँ बिल्कुल भी तेल में जाके फटें। और हम इसमें के बीच में चिपका देंगे एक काजू, मतलब मैंने काजू को आधा आधा कर लिया है, और इस तरह से इसको अच्छे से दबा देंगे जिससे कि काजू इसमें स्टिक हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है, और आइए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी मैं ये वुड्स प्रीमियम ब्रांड का ऑयल यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो काफ़ी अच्छा है। इसका जो लिंक है मैंने नीचे डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो आपको इसको एक बार ट्राई करके देखें, मुझे काफ़ी पसंद आया। हम तेल को हल्का सा गर्म हो जाने देंगे, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करना है। अब हम ये टिक्कियाँ तेल में डालेंगे, बहुत ज़्यादा एक बार में ओवरक्राउडेड ना करें, 4 से 5 टिक्की या फिर आपकी जितनी बड़ी कढ़ाई है उस हिसाब से टिक्कियाँ डालें। इनके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल इस तरह से डाल देंगे जिससे कि ये अच्छे से सिक सकेंगे। जब ये थोड़े सिक जाएंगे हम इनको पलट देंगे इस तरह से, क्योंकि हम चाहते हैं ये दोनों साइड से एकदम क्रिस्प गोल्डन ब्राउन और एक से सिके। ये देखें हमारे जो कटलेट्स हैं बनकर बिल्कुल तैयार हैं, दोनों साइड से एकदम क्रिस्प और सुनहरे हो गए हैं। इसका इसमें जो हमने कॉम्बिनेशन यूज़ किया है तिल का और चिली फ्लेक्स का, और फिर ये जो इसमें हमने कैश्यू लगाया है, अमेजिंग लगता है। ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।